आईपीएल 2022 के शुरू होने से ठीक पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐसा फैसला ले लिया है कि सुनकर या देखकर हर कोई हैरान रह गया। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इस टीम की कप्तानी छोड़ दी है। जी हां, अब वो आईपीएल 2022 के अंदर एक प्लेयर के रूप में नजर आएंगे, न कि कप्तान के रूप में। धोनी की टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद अगले कप्तान के तौर पर रविंदर जडेजा का चयन किया गया है, जिन्हें इस बार सीएसके ने इस सीजन के लिए रिटेन किया था। एमएस धोनी ने एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में सबको चौंकाते हुए ये फैसला दिया है। इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में भी धोनी ने टेस्ट टीम की कप्तानी, फिर वनडे व टी20 टीम की कप्तानी भी अचानक ही छोड़ दिया था। वह इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट भी उन्होंने अचानक ही ले ली थी, सबको चौंका दिया था। जडेजा को कप्तानी मिलते ही जडेजा ने कप्तान बनने के बाद एक बहुत ही बड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने जो धोनी को लेकर बहुत बड़ी बात कही है वो आपको भी हैरानी में डालेंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला है कि कप्तानी मिलने के बाद रविंदर जडेजा ने क्या बड़ा खुलासा किया है, तो वहीं पर धोनी ने क्या कहा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं धोनी और जडेजा के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैर, जाने से पहले कि जडेजा ने आखिर धोनी को लेकर कप्तानी मिलने के बाद ऐसा क्या कह दिया कि देखकर या सुनकर हर कोई हैरान रह गया, और धोनी के बारे में जो कहा वो आपका दिल जीत जाएगा। ये जानने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहेंगे, एमएस धोनी के बाद अब सीएसके टीम की कप्तान भारतीय ऑलराउंडर रविंदर जडेजा को सौंप दी गई है, जो सीएसके टीम के साथ साल 2012 में जुड़े थे। इसके बाद से जडेजा लगातार धोनी की कप्तानी में खेल रहे थे और बतौर ऑलराउंडर उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा था। वहीं दूसरी तरफ धोनी ने अब सीएसके टीम के लिए कप्तानी नहीं करेंगे, सीएसके ने जारी किया आधिकारिक बयान। टीम ने अपने आधिकारिक बयान में लिखा, महेंद्र सिंह धोनी ने फैसला किया है कि वह चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने रविंदर जडेजा को टीम का नया कप्तान चुना है, यानी कि खुद महेंद्र सिंह धोनी ने। जडेजा साल 2012 से टीम का अहम हिस्सा है, वह हमारी टीम के तीसरे कप्तान होंगे। महेंद्र सिंह धोनी इस सीजन और आगे के लिए भी टीम के साथ जुड़े रहेंगे। तो खैर, कहीं न कहीं महेंद्र सिंह धोनी भी अपने बयान में यही कह गए कि वह अपनी स्वेच्छा से कप्तानी छोड़ रहे हैं और अपने इस पद के लिए जडेजा को लायक समझ रहे हैं। तो खैर, अब आइए जानते हैं आखिर जडेजा ने क्या कहा। धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 बार आईपीएल खिताब जीते हैं और जडेजा ने कप्तान बनने के बाद कहा, अच्छा महसूस कर रहा हूँ, माई भाई ने एक लेगेसी सेट कर दी है और मुझे इसको लेकर आगे जाना पड़ेगा। मुझे किसी भी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे मेरे पास है, यानी कि धोनी अभी भी टीम के साथ जुड़े हुए हैं और वो मेरे पास है। जब तक मुझे कोई टेंशन नहीं है कप्तानी को लेकर, मेरे जो भी सवाल होंगे मैं उनको लेकर माही भाई के पास जाऊंगा। वे मेरे लिए पहले भी थे और आज भी हैं, इसीलिए मैं चिंतित तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप सभी को तमाम शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। तो कुछ इस तरह से जडेजा ने कहा है। और खैर, धोनी ने भी अपनी पसंद से जडेजा को कप्तान बनाया है। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।